बच्चे को माथे में टोपी पहना के कुरान पढ़ने भेज दिया जाता है। ए बदबू पांडे, अपना सड़ा गला मुंह बंद कर, बहुत बास आ रही है, वरना सच में चप्पल फेंक के मारूंगी, दिमाग और जुबान सब सही हो जाएगा तेरा। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। और बदबू पांडे, ये जो तू बोल रही है ना, 6 साल के बच्चों को मदरसों में कुरान पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो क्यों ना भेजा जाए, सबको अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। तुझे अभी अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। बच्चे को मदरसे में पढ़ने वाले शायद उन्हें पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। और रही बात, तू जो बोल रही है कि उनको ये नहीं पता होता है कि देश में प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो एक बात बता दूं, कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हुआ है, तुझे इतना पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा बिलियन डॉलर खर्च हुआ है, जो आज तक 100 साल में किसी ने खर्च नहीं किया है, और तू यहाँ पे ज्ञान दे रही है। कौन है वो? तेरे बाप। अच्छा, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं फिर से इस बदबू पांडे की रिलाई करने वाली हूँ। ये हिंदू मुस्लिम करती है सबको पता है, लेकिन फिर भी इसको बुलाया गया। कौन है ये? कौन जानता है इसको? इसको सिर्फ लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करती है। हमारी सिबलिंग पे गंदी टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे धर्म की बेटियों को जलाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, और तो और, चलिए अगर मैं अभी सवाल उठा दूं कि ये आपके कुरान में लिखा है, तभी आप ये कहते हैं। अरे अब बदबू पांडे, इतना बदबू मत फैला जिससे लोगों को बीमारी हो जाए। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये न्यूज चैनल वाले इस बदबू पांडे को हिंदू मुस्लिम करने के लिए बुलाए हैं, इंटरव्यू ले रहे। कौन सी, कहाँ की सेलिब्रिटी है, कहाँ की तोप है ये? आज तक कुछ किया है देश के लिए? बहन की टकी ने कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं, इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। ये जो बोल रही है ना हिंदू मुस्लिम कर रही है ना, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है, तो उसमें 135 करोड़ की आबादी में 11 लोग भी ऐसे नहीं है जो फीफा वर्ल्ड कप खेल सके, तो इसमें तेरा क्या कहना है बदबू पांडे, गंद फैलाने वाली औरत? और हाँ, इनको राष्ट्रीय खेल नहीं खेलना है, क्योंकि इनका राष्ट्रीय खेल तो हिंदू मुस्लिम है। क्यों हिंदू मुस्लिम करना, नफरत फैलाना? इसलिए ज्यादा ज्ञान ना दो तो अच्छा है। और ऐसे न्यूज चैनल को मैं कहना चाहूंगी, ऐसे ऐसे नफरती, बेहया, बेशरम औरत को बिल्कुल इंटरव्यू के लिए ना बुलाएं। उन्हीं वाला पति जिसे तुम मान रही हो, अगर वो कोई मुल्ला है तो उसे छोड़ो, और उसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ होती है, खुशबू पांडे खड़ी है तुम्हारे लिए, जान दे देंगे पर किसी को कुछ होने नहीं देंगे। तुम लोग इतना कंट्रोवर्सी कर रहे हो, अफताब की गलती है, बहुत बड़ा जुर्म किया है उसने, मैं मानती हूँ, लेकिन वहीं पर एक और खबर है, वो क्यों नहीं दिखाया तुम लोगों ने? उसको भी तो दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, करना तो तुम लोगों को हिंदू मुस्लिम ही है। सही बात है। कहानी है ये ग्वालियर की, करिश्मा ने मुस्लिम धर्म छोड़कर की थी वासु शिवहरे से शादी, सास ने पोते समेत जिंदा जला दिया। अब बताओ, अब कहाँ गया तुम्हारा धर्म? बहुत तुम लोग धर्म धर्म करते हो, अब कहाँ चला गया? इस पे क्यों नहीं आवाज उठाए? क्यों, लड़का हिंदू था इसलिए आवाज नहीं उठाए? हाँ, बात तो यही है ना, तुम लोग को हिंदू मुस्लिम करना रहता है, हम तुम्हारे जैसे नहीं है। उसको सजा मिली, वो जेल गया, हमें बस इतना ही चाहिए था, तुम लोगों की तरह हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते। यही नहीं, अभी और सुनिए। और रुको चूतियों, अभी रुक जाओ, अभी दूसरा केस भी है, सुनो, तुम लोगों के लिए सुना रही हूँ, तुम लोगों को तो पता है नहीं हिंदू मुस्लिम करने आ जाते हो। ये है तंदूर मर्डर केस। सुशील शर्मा ने अपनी बीवी नैना सैनी को मारा, और उसका रेस्टोरेंट था, तो उसने अपनी बीवी की लाश को अपने शॉप के तंदूर में ठिकाने लगाया, लेकिन वो पकड़ा गया, तो आरोपी पकड़ा गया, हमें खुशी है नैना को इंसाफ मिला। लेकिन ये बात किसी ने नहीं उठाया न्यूज में, क्यों नहीं उठाया? क्योंकि लड़का भी हिंदू है और लड़की भी हिंदू है। अरे लड़की हिंदू है तो क्या हुआ, नैना भी किसी की बेटी ही थी जिसको उसने मार दिया और तंदूर में छुपा दिया। तुम लोगों को बस हिंदू मुस्लिम करना रहता है, हमारी हिंदू बेटियां, हमारी मुस्लिम बेटियां सब एक ही हैं, वो भी हमारे देश की ही बेटियां हैं, तो नैना के लिए तुम लोगों ने आवाज नहीं उठाई। और ये श्रद्धा और आफ्ताब वाला तो तुम लोगों ने एकदम वायरल कर दिया। चलो ठीक है, श्रद्धा के लिए आवाज उठनी चाहिए, मानती हूँ, तो नैना भी तो हमारे देश की बेटी है, नैना के लिए क्यों नहीं आवाज उठाया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग। यू आर राइट ब्रो। और वही दूसरी तरफ एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ था न्यूज, उत्तराखंड की बेटी अंकिता, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाया? वो भी तो हमारे देश की ही बेटी है, वो तो भी हिंदू लड़की है, और जो जुर्म करने वाला बीजेपी नेता का बेटा था, तब तुम लोगों ने आवाज नहीं उठाया, क्यों? तब तो वो लड़का मुस्लिम नहीं था ना, इसलिए आवाज नहीं उठाया, क्यों, है ना? अब मुसलमान नहीं था तो आवाज कैसे उठा सकते, हिंदू मुस्लिम तो करना पड़ेगा ना। सही पकड़े हैं। इसलिए जब कुछ पता ना हो तब भौंकना नहीं चाहिए इन जैसी बदबू आंटियों की तरह, ठीक है? पहले पता करके आओ, अच्छे से पढ़ के सर्च करके आओ। आपने लापरवाही का नतीजा है।
तो चाहे दिल्ली का आफ्ताब हो, ग्वालियर का बाशु शिव हरे हो और उसके माँ हो, या फिर वो तंदूर मर्डर केस वाला केस हो सुशील कुमार, कोई भी हो, आरोपी को सजा मिलनी ही चाहिए। जुर्म करने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, जुर्म करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द। और हम सब श्रद्धा के साथ हैं, बाकी जो लड़कियों के साथ गलत हुआ है हम सब उनके साथ हैं। वेल डन गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों ऐसे ऐसे नफरत फैलाने वाली आंटियों, अंकल, बुड्ढे, चाचा जो भी है सबसे दूर रहिए, सतर्क रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।